गाइस वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। सो जैसे कि वीडियो के थंबनेल एंड टाइटल से आपने गेस कर लिया होगा कि आज का वीडियो किस टॉपिक पे होने वाला है। सो आज मैं आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ जूडियो मेकअप हॉल। सो मैंने वहाँ से कुछ मेकअप प्रोडक्ट बाय किए थे, उसका रिव्यू मैं आज आप सबके साथ शेयर करूँगी। सो यहाँ पर मेरे पास काफ़ी सारे आइटम्स है, 9 to 10 आइटम्स है मेरे पास, तो मैं आपको दिखा देती हूँ। सो यहाँ पर एक मेरे पास छोटा सा बॉक्स है जो कि स्वीट्स का था, सो मैंने इस पर सारे प्रोडक्ट रख लिए। देन यहाँ पे मेरे पास जूडियो के परफ्यूम्स भी है। सो आज मैं ये सारे प्रोडक्ट का रिव्यू आप सबके साथ शेयर करूंगी। सो चलिए टाइम को वेस्ट नहीं करते और फटाफट से हॉल को स्टार्ट करते। सो जैसे कि दिवाली के थोड़े टाइम पहले जूडियो ने काफ़ी सारे मेकअप प्रोडक्ट लॉन्च किए थे, लिपस्टिक, कॉम्पैक्ट, काजल, लाइनर, मस्कारा जैसे काफ़ी सारे वहाँ पे लॉन्च किए थे, और इनके काफ़ी अच्छे अच्छे मेकअप पाउचेस भी है। बट मैंने वहाँ से मेकअप पाउच एक भी परचेज नहीं किया क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी काफ़ी सारे मेकअप पाउचेस हैं। सो इसीलिए मैंने वहाँ से कोई भी मेकअप पाउचेस नहीं परचेस किया। सो मैंने वहाँ से क्या क्या परचेस किया, चलिए मैं फटाफट से वन बाय वन आप सबके साथ शेयर कर देती हूँ। सो मैंने सबसे पहले जूडियो का काजल परचेस किया जो कि ब्लैक कलर का है। सो इसमें और भी कलर्स थे, ब्लू, गोल्डन, सिल्वर, काफ़ी सारे कलर्स थे, बट मैंने ब्लैक लिया क्योंकि मैंने जूडियो का कभी भी कोई काजल यूज़ नहीं किया है। सो मैंने सोचा क्यों ना ब्लैक ट्राई करें, क्योंकि ब्लैक जो काजल है वो आपका कहीं पे भी चल जाता है, और अगर आप कोई अलग कलर का काजल ले रहे हो सो उसे आप कहीं पे यूज़ नहीं कर सकते, इसीलिए मैंने रिस्क नहीं लिया और मैंने सोचा ब्लैक ही वाला मैं ट्राई करती हूँ। सो ये जो काजल है इसकी MRP है 69 रुपीज़, और ये मुझे जस्ट 69 रुपीज़ में रिसीव हुआ। सो जूडियो ने काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल मेकअप लॉन्च किए हैं, क्योंकि 69 रुपीज़ में तो आपको एलेटिन का भी काजल रिसीव नहीं होता है, और जूडियो वाले ने 69 रुपीज़ में काजल निकाला। तो चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ ये काजल कैसा है। सो अभी भी मैंने इस काजल को अप्लाई किया है, काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, जैसे कि आप लैक्मे वगैरह का जो काजल यूज़ करते हो सेम वैसे ही है, और ये एकदम जेड ब्लैक कलर का है। सो मैं आपको दिखा, टूट भी गया। सो ये इतना ज़्यादा सॉफ्ट है कि आप इसे थोड़ा सा भी आपको प्रेशर देंगे ना तो वो टूट जा रहा है। सो मैंने अपने आईज पे अप्लाई किया था तो ये ऐसा नहीं हुआ था, और मैं अभी आप सबको शो कर रही हूँ तो पता नहीं क्यों ऐसा हुआ। सो ये प्रोडक्ट में मुझे बस इतनी सी खराबी लगी कि बहुत जल्दी टूट जा रहा है। इनमें और भी कलर वेरियंट है तो आप वो भी ट्राई कर सकते हैं। मैंने इनका ब्लैक वाला परचेस किया, देन उसके बाद मैंने वहाँ से उनके 2 फेस वॉशेस बाय किए। तो ये 2 मैंने वहाँ से बाय किया। जो फर्स्ट है मेरे पास चेरी ब्लॉसम फेस वॉश, एंड सेकेंड है मेरे पास सिट्रस फेस वॉश। तो ये मैंने समर के टाइम पे ही दोनों बाय किया था, काफ़ी ज़्यादा पुराना हो चुका है ये और मैं इसे यूज़ भी कर रही हूँ। और पिंक वाला जो है वो काफ़ी ज़्यादा मेरा फेवरेट है, इसे तो मैंने बहुत ज़्यादा यूज़ किया है। थोड़ा सा इसमें प्रोडक्ट बचा है, आप देख ही सकते हैं यहाँ पे थोड़ा सा प्रोडक्ट बचा है। देन ये ग्रीन वाला मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करती क्योंकि इसका मुझे फ्रेग्रेंस उतना अच्छा नहीं लगता, और पिंक वाले का जो फ्रेग्रेंस है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है और काफ़ी गली गली सा फ्रेग्रेंस है, सो मैं इसे ज़्यादा यूज़ करती हूँ। और ये जो है इसकी फ्रेग्रेंस मुझे थोड़ी सी हार्ड लगती है, इसीलिए मैं इसे कम यूज़ करती हूँ। सो मैंने इसे 2 से 3 बार ही अभी तक यूज़ किया है, मैंने इसे रेगुलर कभी यूज़ नहीं किया है। और इसकी प्राइस की बात कर ले तो प्राइस है 69 रुपीज़, और 50 ग्राम की क्वान्टिटी आपको मिल जाती है। सो दोनों की प्राइस फिर 69 रुपीज़ है। सो इनका काजल और फेस वॉश दोनों ही 69 रुपीज़ में है, और 50 ग्राम्स की इसकी क्वांटिटी है, काफ़ी अच्छी खासी क्वांटिटी मिल जाएगी। सो आप इनके फेस वॉश ट्राई कर सकते हैं, और पिंक वाला तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप इसे यूज़ करें क्योंकि इसकी जो फ्रेग्रेंस है आप इसे एक बार यूज़ करेंगे तो आपको भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगने वाला है। देन इनका जो ये वाला है अभी मैं इसे भी यूज़ करना चालू करूँगी कि ये कैसा है, पता चलेगा कि ये पिंक वाला जितना अच्छा है या नहीं। देन उसके बाद मैंने वहाँ से 2 लिप बाम परचेस किया है जो कि मैंने बहुत पहले जब मैंने किया था समर में तभी मैंने ये लिप बाम भी परचेस करा था। सो फर्स्ट है मेरे पास ब्लूबेरी, देन सेकंड है यहाँ पे मेरे पास हनी। सो हनी वाले का कलर कुछ इस टाइप का है, सो आपको शो हो रहा होगा ये ऑरेंज कलर का। सो इनके जितने भी लिप बाम है उसके कोई भी ऐसे कलर नहीं है, वो ट्रांसपेरेंट ही है, सो बिल्कुल भी इसमें कलर्स नहीं आएंगे आपको। और ये हनी वाली की जो फ्रेग्रेंस है वो थोड़ी सी हार्ड है, इसी वजह से मुझे ये भी प्रोडक्ट नहीं अच्छा लगता है। देन जो इनका ब्लूबेरी वाला वेरिएंट है वो उसकी जो फ्रेग्रेंस है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, सो मैं ब्लू वाले को काफ़ी ज़्यादा यूज़ करती हूँ। तो चलिए मैं आपको वो भी दिखाती हूँ। सो इनका ये जो ब्लू बेरी वाला वेरियंट है वो ऐसे ब्लू कलर में है, तो मोस्ट ऑफ जो कलर के लिप बाम वो काफ़ी कम देखने को मिलते हैं।
ये भी एकदम ट्रांसपेरेंट है, मैं आपको दिखा देती हूँ। जस्ट इनके सारे लिप बाम काफ़ी ट्रांसपेरेंट है और इसकी जो फ्रेग्रेंस है वो भी इतनी अच्छी, ज़्यादा अच्छा लगता है। सो ये जो लिप बाम है इसे मैं अभी विंटर में काफ़ी ज़्यादा यूज़ करती आ रही हूँ। देन उसके बाद मैंने वहाँ से अभी रिसेंटली कुछ 1 वीक पहले मैंने वहाँ से इनके वाइप्स ट्राई किए थे। सो मेरे पास इनके 2 वाइप्स हैं। सो फर्स्ट है जूडियो आई मेकअप रिमूवल वाइप्स। तो ये फर्स्ट है कुकुम्बर एंड एलोवेरा। सो इससे आप अपने लिपस्टिक फेस कुछ भी क्लीन कर सकते हो, काफ़ी इजीली हो जाता है। सो ये कुकुम्बर एंड एलोवेरा वाला है जो कि ऐसे ग्रीन कलर की पैकेजिंग है। देन सेकेंड जो मेरे पास है वो टी ट्री वाला। सो इसे मैंने अभी कम यूज़ किया है, काफ़ी ज़्यादा सही है और दोनों ही सही है। तो अभी जब मैं ट्रैवलिंग कर रही थी तो मैंने इसे लिया था, तो ये ऑलमोस्ट इसमें 4 से 5 वाइप्स बचे होंगे, बाकी यूज़ हो गया और इसमें भी नया पड़ा है। और इसकी प्राइस की बात कर लेते तो 29 रुपीज़ ईच है। सो इसमें आप कोई भी वेरिएंट ले सकते हैं, सब आपको 29 रुपीज़ में मिलेंगे। और इनके और भी वेरिएंट्स हैं और इसमें आपको आपको 10 वाइप्स मिल जाते हैं एक पैकेट में। सो काफ़ी छोटू सा है, ट्रैवलिंग के लिए भी काफ़ी ज़्यादा सही रहेगा, तो आप ये वाला ट्राई कर सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा सही है। बाकी जो अदर ब्रांड के आप यूज़ करते हो वो तो और भी ज़्यादा कॉस्टली होते हैं, और ये जो है 29 रुपीज़ के काफ़ी ज़्यादा सही है, 10 वाइप्स मिल रहा है। सो आपको एक वाइप जो है वाइप पर है 2 रुपीज़ 90 पैसे का पड़ रहा है, तो काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल है, तो आप भी ट्राई कर सकते हो। तो दोनों ही वाइप जो है वो काफ़ी ज़्यादा सही है, काफ़ी अच्छे से आपकी जो लिपस्टिक है उसको भी रिमूव कर देता है एंड आपकी जो आई मेकअप है वो भी रिमूव हो जाता है। उसके बाद वहाँ से मैंने एक लिप ग्लॉस एंड एक लिपस्टिक भी बाय की है। सो फर्स्ट जो लिप ग्लॉस है वो लाइट पिंकिस कलर में है और काफ़ी सारे लिप ग्लॉसेस हैं वहाँ पे। पर्पल में आपको वाइट में मिल जाएगा एंड पिंक में मिल जाएगा, डार्क पिंक में मिल जाएगा। सो मैंने लिप ग्लॉस इतना ज़्यादा ट्राई नहीं किया था, तो मैंने सोचा क्यों नहीं पिंक कलर वाला ही परचेस करें, और काफ़ी ज़्यादा सही है। अगर आप इसे ऐसे भी अप्लाई कर ले तो काफ़ी सही लगता है। और अभी तो मैंने अपने मैट लिपस्टिक के ऊपर इसे अप्लाई किया, तो काफ़ी ज़्यादा मॉइस्चराइजिंग है। सो आप इसे यूज़ कर सकते हैं एंड इसका प्राइस है 149 रुपीज़ ईच। सो जो जूडियो के लिप ग्लॉस है इसका मुझे थोड़ा सा प्राइज़ी लगा, क्योंकि जो अदर ब्रांड के वो भी इस प्राइस में आपको रिसीव हो जाते हैं, तो मुझे लगा था जूडियो का 100 रुपीज़ के अंदर आपको रिसीव हो जाएगा, बट कोई नहीं, चलता है। इसकी जो क्वालिटी है वो काफ़ी ज़्यादा सही है। सो आप भी अगर सोच रहे हो ट्राई करने का तो आप भी ट्राई कर सकते हैं। सो उसके बाद मैंने वहाँ से जूडियो की लिपस्टिक ली है। सो इसमें मेरा शेड नंबर है 02 कोको क्रेव करके है। सो यही सबसे डार्क शेड मुझे लगा ब्राउन में, तो मैंने सोचा यही ले लेते, क्योंकि विंटर में इस टाइप के जो शेड होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो अगर आप भी ट्राई करने का सोच रहे हो तो ट्राई कर सकते हैं, और मैं इसका स्वेचेस आपको दिखा देती हूँ। ये जो लिपस्टिक है वो एकदम मैट नहीं है, ट्रांसफर प्रूफ है, तो अगर आप थोड़ा भी खाते हैं तो आपकी जो साइड साइड से वो लिपस्टिक निकलने लगता है। सो ये मुझे इनकी अच्छी बात नहीं लगी, इनके लिपस्टिक हैं, बाकी कलर तो काफ़ी ज़्यादा प्यारा है एंड इसमें से काफ़ी अच्छी कोको की फ्रेग्रेंस भी आ रही है। अगर आप थोड़ा भी ऑयली खा लें या फिर नॉर्मली आप कुछ भी खाते हैं ना, तो ये लिपस्टिक जो इनकी वो रिमूव हो जाती है। बाकी जो मैट लिपस्टिक आप यूज़ करते हैं वो इतनी जल्दी रिमूव नहीं होती, अगर आप ज़्यादा ऑयली खा रहे तभी रिमूव होती, बट ये अगर आप कुछ भी खा रहे हो ना तो रिमूव हो जाती है। सो ये इस टाइप की लिपस्टिक है। सो इनके जो 2 परफ्यूम्स है वो भी मैंने काफ़ी पहले ही बाय किया था, जब मैं समर में सारे प्रोडक्ट्स बाय कर रही थी तभी मैंने किया था। सो तब से मैं अभी तक इसे यूज़ करते आ रही हूँ, काफ़ी अच्छा है। सो फर्स्ट है जूडियो मिमामी, देन सेकेंड है जूडियो वाइल्ड, और दोनों की ही फ्रेग्रेंस काफ़ी अच्छी है। जूडियो मिमामी की जो फ्रेग्रेंस है वो थोड़ी स्वीट टाइप की फ्रेग्रेंस है। सो जिनको भी थोड़ी स्वीट सी फ्रेग्रेंस पसंद है वो ये वाला ट्राई कर सकते हैं, और इसकी जो फ्रेग्रेंस वो भी काफ़ी ज़्यादा सही है, थोड़ी सी हार्ड है। सो जिनको थोड़ी सी ज़्यादा हार्ड पसंद है, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं, थोड़ी सी हार्ड है, तो वो ये ट्राई कर सकते हैं एंड जिसको स्वीट स्वीट सी फ्रेग्रेंस पसंद है वो ये भी ट्राई कर सकते हैं। तो दोनों ही काफ़ी ज़्यादा सही है एंड इसकी जो प्राइस है वो आप उनके कोई भी ऐसे टाइप के परफ्यूम्स ले सकते हैं, 99 रुपीज़ ईच आपको मिल जाएंगे। और अगर आप भी अफोर्डेबल सा परफ्यूम सर्च कर रहे हो तो आप जूडियो का ट्राई कर सकते हो, काफ़ी अच्छी फ्रेग्रेंस है और इनमें काफ़ी सारे और भी वेरियंट है, तो जो वेरियंट मुझे अच्छा लगा मैंने जस्ट उसे ही परचेज किया है। और काफ़ी सारे ऑप्शंस है, तो आप दूसरे ऑप्शन की तरफ भी जा सकते हो। सो जूडियो के और भी काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स थे जो कि मैंने परचेस नहीं किया, जैसे कि लाइनर, मस्कारा, ब्लश, काफ़ी सारे प्रोडक्ट थे वो मैंने परचेस नहीं किया, क्योंकि मुझे अभी उसकी नीड नहीं थी, इसीलिए मैंने उसे परचेस नहीं किया। जो
जो जो प्रोडक्ट की मुझे नीड थी, मैं जस्ट वही प्रोडक्ट वहां से मैंने परचेस किया है। और मुझे जूडियो के जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा सही लगते हैं, उनके क्वालिटी वाइज भी सही होते। सो काजल से मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड हुई, क्योंकि मैं जब आपको दिखा रही थी तभी आपने देखा एक बार टूटा, दो बार टूट चुका है, तो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है, तो थोड़ा सा हार्ड होता तो वो सही रहता, मतलब ऐसे टूटता नहीं, आइस पे तो इजीली अप्लाई हो जा रहा है काफ़ी स्मूथली। सो आप भी ट्राई कर सकते हैं, बट आपको इसे काफ़ी ज़्यादा संभाल के रखना होगा। सो काफ़ी अच्छा है, सारे प्रोडक्ट्स मुझे काफ़ी ज़्यादा सही लगे, मैंने इनके सारे प्रोडक्ट्स यूज़ कर रही हूँ। और लिप बाम जो है वो 49 रुपीज़ ईच है, सो काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल है, तो आप इनके कोई भी प्रोडक्ट ट्राई कर सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल भी रहते हैं, साथ ही साथ क्वालिटी भी काफ़ी ज़्यादा सही होती है। सो ये था मेरा आज का छोटा सा जूडियो मेकअप हॉल, आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुआ। सो वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल हुआ है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।